उनको थोड़ा भाषा पे संयम और नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, बार बार यहीं आना है, हम भी यहीं हैं। तो कभी भी आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि बाद में उल्टा जाना मुश्किल हो जाए। मैं तो पार्टी में ही नहीं था, सर्वे कब हो गया जिसमें उनको 98 आ गए और मेरे को 2 आ गए। भाई साहब कल चाना में आए थे जयप्रकाश सांसद कांग्रेस, उन्होंने कहा कि जो ब्रजेंद्र सिंह के समर्थक थे उन्होंने उनकी चुनाव में खिलाफत की, उन्होंने कईयों के नाम भी लिए। सबसे पहले तो सभी को संत कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया नया आदमी जब जीता हो ना तो उत्साह में होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें निकल जाती है आदमी के मुंह से बातें। लेकिन फिर भी राजनीति में जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो जिनको इतने साल हो लिए, उनको थोड़ा भाषा पे संयम और नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, बार बार यहीं आना है, हम भी यहीं हैं। तो कभी भी आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि बाद में उल्टा जाना मुश्किल हो जाए। तो ये सभी पे लागू होती है। सर उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट देगी, जिस तरह से मेरे को टिकट मिली है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि किसी नए युवाओं को टिकट उठाने से दे सकती है कांग्रेस। नहीं नहीं, युवाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए, और किसी को मिल सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई ना तो उनने नई बात कही है ना इसमें कोई हैरानी वाली बात है। उन्होंने कहा कि सर्वे हुआ था कांग्रेस का, मेरे को 98% मिले थे, ब्रजेंद्र सिंह को 2% मिले थे, इसलिए। मैं तो पार्टी में ही नहीं था, सर्वे कब हो गया जिसमें उनको 98 आ गए और मेरे को 2 आ गए। मेरे पार्टी में ज्वाइन करने से पहले 4 या 5 तो स्क्रीनिंग कमेटी की हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग्स हो चुकी थी। और वैसे भी इन चीज़ों को छोड़िए यार, एमपी का इलेक्शन खत्म हो चुका, वो बात पुरानी हो चुकी है, अब आगे की बात करनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव सारा ही 3 महीने बाद है, अब तो उसकी तैयारी में जुटना चाहिए सबको। और जो जीत गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं जीत पाए उनको आगे की बहुत शुभकामनाएं। नारायण सिंह सैनी ने कहा कि सर मुख्यमंत्री मेरे बनने के बाद कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। देखिए जी, तकलीफ तो आज के दिन बीजेपी को हुई हुई है, क्योंकि हरियाणा में हालांकि संभावनाएं तो 5 से भी ज़्यादा थी कांग्रेस की, लेकिन 5 भी आना बीजेपी के लिए बहुत दुखदायी साबित हुआ है। और उनको इस चीज़ का भली भांति आभास है कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो उनके लिए सिर्फ एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि उनको जीत जो उनको कांग्रेस की जो जीत है, बहुत बड़ी जीत है, वो बीजेपी को सामने दिखने लग रही है आज के दिन, और उनकी एक बहुत बड़ी हार उनको दिख रही है। तो इस वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, नहीं तो किस चीज़ की कांग्रेस को तकलीफ होगी। वो आए हैं, कांग्रेस को 5 सीट आ गई। मैं जो मुख्यमंत्री बने थे, मैंने तो तब भी कहा था उनको शुभकामनाएं देते हुए कि मेरे तो मित्र हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत खुशी की बात है, ख़ास तौर पे कमेरे वर्ग से आते हैं उस नाते और भी ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन उनको बलि का बकरा बनाया गया है। ये मैंने बात तब भी कही थी और मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी लोकसभा आ गई है, 3 महीने बाद विधानसभा में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, और वो ठीकड़ा जहाँ जिस आदमी पर फूटना चाहिए था उसकी बजाय इनके ऊपर फूटेगा।